तो मैं हवेली आया हुआ था, इधर आपको एक चीज़ दिखानी थी, आज हम लेकर आए हैं तो बाद में दिखाता हूँ। दाना आया दुकान पर, कहता है मुझे पहले सामान दे लो फिर बनाना व्लॉग बाद में, तो अभी उसको सामान दे देंगे। अरे बड़ी बोतल पड़ी है जूस, ये यही पी लेते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बोतल तो मैंने पी ली है, तो क्योंकि वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, मौसम बहुत ही मौसम में चेंजिंग आई है, गर्मी आ गई है, तो गला काफ़ी खुशक हो रहा था गर्मी की वजह से, तो मैंने सोचा कि चलो एक बोतल पी लें यार, थोड़ा सुकून तो मिले। तो अभी मैं इधर हवेली में आ गया हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि हम क्या लेकर आए हैं। जी तो हम लेकर आए हैं ये एक हमारा छोटा सा बकरा, ये देखें आपसे इसे मुलाकात करवाते। सुबह सुबह काफ़ी सर्दी होती है इसलिए धूप में बंधा, तो फिर गर्मी हो जाती है, इस वक्त इसको भी लगनी शुरू हो जाती है। इसको लेकर जाता हूँ छाँव में बांधते हैं उधर लाकर, इसे अभी छाँव में मैंने बांध दिया है, तो अभी इसको ये काफ़ी गंदा हुआ है, तो नहाने धुलाने का मेरा प्रोग्राम है कि इसको साफ़ सुथरा कर दें अच्छी तरह। तो बकरे को नहला कर तो अभी उसके लिए पट्ठे लेने जाने हैं, मैंने पट्ठे ही सही है। उधर भाई अली हसन है मेरा दोस्त, उसके घर आया हूँ, उसने भी जाना होता साथ ही, हम दोनों लेकर आते हैं, उसकी भी एक बकरी है तो इसलिए फिर इकट्ठे ही चले जाते हैं। ये है मेरा दोस्त अली हसन साहब, तो अभी हम जा रहे हैं यार घास लेने, तो चलते हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह इधर हम फील्ड्स में आ चुके हैं, तो इधर से हमने पट्ठे वढ़ने हैं। तो इधर यार मैंने वैसे एक बात का हिसाब लगाया, अगर हम शहर जाएं तो शहर की ज़िंदगी बंदे को ना अच्छी लगती है, ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ें हरियाली देखने को बिल्कुल नहीं ना मिलती, तो फिर महसूस होता कि यार गाँव की ज़िंदगी फिर गाँव की होती है। तो इधर जब हम बाहर निकलते हैं तो काफ़ी दिल को खुशी महसूस होती है, तो शहरों में ऐसी जगह देखने को बिल्कुल नहीं मिलती अभी। ये तकरीबन रोजाना 20 मिनट तक बकरे के लिए निकालने पड़ते हैं, बाद में यार जब ईद आती है ना पास तो काफ़ी मुश्किल बन जाती है बकरा ख़रीदने का, तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का बकरा फिर मिलता है अच्छा जो होता है, इसलिए हम पहले छोटा सा लेकर रख लेते हैं कि बाद में कभी कोई टेंशन ना बने, क्योंकि बंदे के पास कभी पैसे होते हैं कभी नहीं, तो इसलिए अपने हाथों से पाल लेते हैं बकरा। तो काफ़ी अगर मैं आप सबको भी, अगर आपके पैसे हों तो पास पैसे हों तो एक बकरा पहले छोटा सा लेकर ख़रीद लें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा बाद में।
सारे पट्टे इधर हमने इकट्ठे करके इसमें डाल लिए हैं अभी। यार अल्लाह ताला का हम शुक्र बिल्कुल नहीं अदा कर सकते, ये देखें कैसा अच्छा मौसम है। और सबसे बड़ी जो बात है, इन दिनों तकरीबन एक हफ्ते तक या दो हफ्ते तक तमाम फसलें बिल्कुल पक जाएंगी। कहना कि ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे सिट्टे इसके निकल आए हैं। तो अल्लाह ताला का यार बहुत लाख लाख शुक्र है, इससे हम रोटी वगैरह दाने वगैरह बना कर रोटी खाएँगे, तो बहुत हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा कर सकते। इसके बारे में यार मैं और कुछ बयान ही नहीं कर सकता। असी पाठे वढ़ के अज आ गए हैं हूँ इतने, तो हूँ असं अमरूद खान चले हैं। चलो समीर साहब अमरूद खान चली आया आया यार, भूख थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है, तो वैसे भी चलो बाहर आए होते हैं तो एक दो अमरूद मैंने कहा खा लेते हैं। आ जाओ फिर पक्के पक्के थोड़ी क्यों नहीं तोड़ करी मैं इधर जैका जैका खा कच्चा सही है मीठा कच्चा कच्चा खा गए थोड़े। सलाम अलैकुम जी, की हाल जी, और सुनाओ की करी जा रहे हैं? गर्मी आई पुंजे ना बैठो मंजी से बैठो मंजी जो है कोई नहीं नहीं यार ये नहीं कर बाबा जी। ओ लुचियां दा बूटा किथे जा रहा सी ओ देखना है आज? देखो जी देखो सरकार किथे की करके है? ओ देखो आगे ओ सफेदे लागे जड़ा। हां सफेदे लागे सफेदे अगले बने सारे ते मथे आ। चलो दे दे मैं को क्या यार देखिए तो सही ना ही सुनया मैं तो देख के हमने जड़ा नहीं देखो ये देखने आए थे कि यार कौन सा बूटा नाम में मैंने सुना था लीची का बोतल पी है तो मैंने सोचा कि शायद लगी है तो चेक करके आते हैं। पर अभी इसके ना काफी जो देखे छोटी छोटी डोडियां से बनी हो रही हैं, तो अभी ये बड़ा होगा तो फिर खाएंगे इसको इंशाल्लाह। हाय 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 ये हमारे गाँव में शायद पहला गुलाबी फूल हो गया, असी पहली बार देखा बड़ा सोहना यार तोड़ लिए माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत। गुलाब के फूल के थले बने कंडे देखो जी कंडे पार काट के फिर सोना है फुल लभदा गुलाबी रंग का कड़ा सोना फुल। ऐसी यार चीज़ों को देख कर ना जेन में कुरान पाक की आयत याद आती है कि फबी जी अला रबी कुमा तो कजी बन। बाकी जितने भी फूल हैं वो सारे गुलाबी हैं ये देख सकते हैं, तो इसका कलर जो है वो सबसे डिफरेंट है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है यार। अल्हम्दुलिल्लाह घास पहले करा चुका हूँ, काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। और भाई अली असल को मैंने कहा कि यार आप गाड़ी चलाओ मैं पीछे बैठता हूँ पकड़ के पट्ठे को, तो अभी हम जा रहे हैं घर को वापस। जनाब पट्ठे खाओ तो रज जावो, तो तुहानू यूट्यूब ते असी चार दिता वा ठीक है राजी हो हुण ठीक हो गया। तो अलहमदुल्ला काम मुकम्मल हुआ यार, तो अभी जुमा की अजान हो चुकी है 12:30 हो चुके हैं तकरीबन, तो अभी मैंने जाना है वो नहाना है तो कपड़े भी चेंज करने हैं। 2 hours later जी अल्हम्दुलिल्लाह घर में वापस आ गया हूँ, जुमा पढ़ कर कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके थे तो फिर मैंने चेंज किया और जुमा पढ़ कर आया। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो अपने दोस्त समीर साद को दीजिए इजाज़त, ओके अल्लाह हाफिज़।